हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू। हम जो गल तूबा और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडियक साइंस। आप लोगों के लिए ये जो वीक है जुलाई 17 टू 23, ये वीक कैसा रहेगा और आपके लिए क्या चेंजेस आएंगी, आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको क्या हेल्प की ज़रूरत है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकती हैं या आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ सकते हो। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी सिर्फ आप उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। और आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी इस चैनल पर लाइव रीडिंग हो आप मिस ना कर सकें। आपने अपने स्टार साइन के लिहाज से, जो आपका ज़ोडियक साइन है या आपका सन मून राइजिंग, उसके लिहाज से आपने अपना जो है वो टाइम स्टेप में देख लेना है। मैं यहाँ पर पुट करूँगी फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन और अर्थ साइन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फ्रॉम एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो लेट्स गो जी। सबसे पहले हम देखेंगे एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए, आप लोगों के लिए ये जो वीक है जुलाई 17 to 23, ये कैसा रहेगा, क्या चल रहा है आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, क्या मैसेजेस की ज़रूरत है या क्या इस 7 days में, इस वीक में आपके लिए चेंजेस आ सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं और सब्सक्राइब करते जाएं चैनल को। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखते हैं ये वीक कैसा रहेगा। हमारे पास है मिजान, जजमेंट, फिर है हमारे पास थ्री ऑफ सोर्ड्स और फिर है हमारे पास अतलिसम। ओके, एक चीज़, कोई चीज़ है जो आपको काफ़ी अर्से से वेट है। आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए रुकी हुई हैं या जो चीज़ आपको चाहिए वो नहीं मिल रही है या आप उसको हासिल नहीं कर पा रहे हो और ये ऊपर वाले की तरफ से चीज़ें रुकी हुई हैं। ये चीज़ें आउट ऑफ योर कंट्रोल हैं, मतलब ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये ऊपर वाले ने आपको ये चीज़ देनी है। तो कुछ लोगों के लिए आपको बेबी की टेंशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपको करियर की टेंशन हो सकती है, फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, आपको कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, इससे आप निकलना चाह रहे हो लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको किसी के ट्रूथ का भी वेट है। कोई किसी से आप कोई बात करना चाहते हो, किसी के मसले, जिसके साथ आपका झगड़ा चल रहा है, आप उसके साथ इस मसले का हल ढूंढना चाहते हो या आप चाहते हो कि अब आपकी लाइफ में कोई चेंज आए लेकिन वो चेंज नहीं आ रहा है, नहीं मिल पा रहा है और आपको समझ नहीं आ रही कब आपकी सिचुएशन चेंज होगी, कब आपके हालात ठीक होंगे, कब आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत जो है वो पलटा खाएगी, बदलेगी। ठीक है, आप हार्ट ब्रोकन भी हो सकते हैं, आपको किसी का इंतज़ार भी हो सकता है लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के आने में इतनी देर हो रही है कि आप वेट कर करके थक चुके हो या अभी भी आपको इस इंसान का वेट है लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा आप दोनों के दरमियान में। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, अगर हम लव की बात करें, रिलेशनशिप्स की, ये सिचुएशन भी हो सकती है। आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं इस वक्त, ब्रेकअप में हैं, ठीक है, और आपको वेट है इस इंसान का। किसी के सच का भी इंतज़ार है आपको कि ये इंसान कब आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। डॉटर ऑफ सोर्ड्स, तो यस, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे अच्छा टाइम है। आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है अपने स्टडीज़ को लेके, एजुकेशन में कोई चीज़ लेके, ठीक है, और अगर आपका कोई इंटरव्यू, टेस्ट है, एग्ज़ाम है, वो भी पास हो सकता है, या आप में से कुछ लोग कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट करने की, कम्युनिकेट करने की, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, कोई है जो आपको अपना सच भी, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो डेफिनेटली कम्युनिकेशन, वो मैसेज, वो ऑफ़र या वो कॉल आपको आने वाली है, जिस चीज़ का भी आपको इंतज़ार था। और हमारे पास है नाइन ऑफ कॉइन्स, यस, ये फाइनेंसिस की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आपको फाइनेंशली फाइनली आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी। अगर आप कहीं एग्ज़ाम आपका पास हो जाता है, आपका टेस्ट, इंटरव्यू पास हो जाता है तो आपकी जॉब लग सकती है या आप काफ़ी अर्से से अगर आपने किसी चीज़ में अपना टाइम लगाया है, बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ से भी कोई थोड़ी बहुत इनकम आपको मिलेगी और यहाँ पर न्यू जॉब लगने के भी चांसेज हैं, क्योंकि हो सकता है आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं या कोई ऐसा इंटर्नशिप करते हैं, उसमें भी आपको ये चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियली अभी भी आपके ऊपर बर्डन है, चीज़ें चेंज नहीं हो पा रही हैं, स्टिल अभी आपको इंतज़ार है कि कब आपके जो हालात हैं वो ठीक होंगे या चेंज होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए आपको रिश्ते का इंतज़ार हो सकता है, प्रपोज़ल का इंतज़ार हो सकता है, आपको कोई ऑफ़र मिल भी सकती है लेकिन डिपेंड करता है कि आप रेडी हो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए या नहीं, या ये रिश्ता आपको पसंद आता है या नहीं। या वी हैव अ मलिका ऑफ कॉइन, आपका ज़्यादातर फोकस यहाँ पे नज़र आ रहा है फाइनेंसेस, पैसा, अपने जॉब पे, अपने कैरियर पे। अगर आपकी जॉब नहीं है, यहाँ पे जॉब लगने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, सो कीप ट्राइंग, अप्लाई करते रहें। जहाँ पे भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, इस वीक भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी या मिलेगी, उसमें आपने अप्लाई करना है। ठीक है,
और अगर आपने ऑलरेडी ट्राई किया था तो उसमें आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। जिन लोगों का बिजनेस है वो इस वीक में मुझे स्टिल आपके लिए सेल्स अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं, चेंजेस नज़र आ रही हैं। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे लगता है कि आपको रिलेशनशिप की टेंशन भी हो सकती है, शादी की टेंशन भी हो सकती है, ठीक है। आपको किसी का इंतज़ार भी है कि ये इंसान कब आपको ऑफ़र करेगा, प्रपोज करेगा या मैसेज भेजेगा, एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है मुझे। मज़ीद मैं आप लोगों के लिए ऑरेकल्स कार्ड से देख लेती हूँ कि ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आप में से कुछ लोग अपने आप को, जो आपका फोकस है वो आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ रहे हो या बढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वाटर, हो सकता है आप पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो या ये वाटर साइन का आपको इंतज़ार है। यहाँ पे डेथ है, दिस इज़ अ डेथ, स्कॉर्पियो हो सकता है आप जिसके साथ डील कर रहे हो, ठीक है। विद इन 3 to 6 months आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, ये चेंज हो सकती है, ठीक है। आपको किसी, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, आपके किसी के साथ सेपरेशन हुई है, तो आपको इंतज़ार है उस इंसान का। वी ऑल्सो हैव लाइट बल्ब, आप तो यहाँ पे है कोई चीज़ है जो आपका कोई ऐसी चीज़ है जो आपके सामने रिलीज होगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, कोई आहा मोमेंट आपके सामने आएगा, किसी का सच आपके सामने आएगा, या जिस क्लैरिटी का आपको इंतज़ार था फाइनली आपको वो चीज़ डिस्कवर हो जाएगी। हो सकता है आप कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी डिस्कवर करें, या कोई आपको हेल्प कर देगा या गाइड कर देगा कि आपको ये चीज़ करनी है। आप कुछ नया भी स्टार्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में, या आप कुछ खुद अपने लिए कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है। ब्रेक थ्रू हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ नया चेंज आ सकता है, कोई चीज़ आपको रिवील होगी किसी के बारे में या जिसका आपको इंतज़ार था, फाइनली चीज़ें आपके सामने बिल्कुल साफ साफ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आपके लिए, इस रिलेशनशिप को लेके या किसी चीज़ को लेके जिसका भी आपको इंतज़ार था। वी ऑल्सो हैव अ क्वीन ऑफ एयर, आप हो सकता है जेमिनी या एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पे स्टार है तो कोई है जो आपकी विश पूरी होने वाली है, आपकी कोई ख्वाहिश है वो पूरी होने वाली है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये स्टार यहाँ पे पॉपुलैरिटी और फेम होने की भी बात करता है, तो शायद आप उस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हो, वो भी आपको सक्सेस मिल सकती है। विद इन 2 या 4 weeks के अंदर ऑफर मिल सकती है, आपकी लाइफ जो है 2 to 4 weeks के अंदर या 2 to 3 to 6 months के अंदर चेंज होने वाली है। आप हो सकता है वाटर साइन या एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, या ये लोग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे टाइमिंग है तो डेफिनेटली जो चीज़ आपको चाहिए वो मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और आपको जिस ऑफर का इंतज़ार है वो भी, कोई अपनी सीक्रेट फीलिंग्स भी आपको रिवील करेगा, अगर किसी को आप पे क्रश है या आप किसी पे क्रश है, आपको किसी पे, या आप किसी को लाइक करते हो, तो वो रिवील हो सकता है। आप ऐसे कुछ लोगों के पास चॉइस हो सकती है वाटर साइन की या एयर साइन की, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप किसको चूज़ करते हो, और अर्थ साइन की। तो यहाँ पे 3 queens हैं, तो हो सकता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप चूज़ करोगे, जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो उस इंसान के पास चॉइस है, वो चूज़ करेंगे कि उनको क्या चूज़ करना है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी वाटर साइन पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा और कहाँ पर आपका फोकस होगा या आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकती हैं और किस एरिया में ये चेंजेस आएंगे या आपको किस एरिया में चेंजेस लानी चाहिए, कहाँ फोकस करना चाहिए। लेट्स सी पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो के लिए देख लेते हैं ये भी कैसा रहेगा। वी हैव 9 of Staff, वी ऑल्सो हैव द शम्स, आप हो सकता है लियो के साथ डील कर रहे हो या एरीज सेजिटेरियस के साथ, फायर साइन। We also have Ace of Swords, but it's reverse. कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस वक्त क्लियर नहीं है, आपके सामने नहीं आ रही, लेकिन रिवील होंगी, आपको पता चल जाएगा लियो सीजन में, अगस्त तक ये पता चल जाएगा आपको। सन ऑफ स्टाफ, तो पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है कोई आपकी तरफ आ रहा है। 6 of Swords, yes, मुझे लग रहा है कि किसी की ऑफर आ सकती है आपको, ठीक है, या आप किसी, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। 10 of Cups, yes, आप खुद 6 of Pentacles भी है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, ये वर्क से रिलेटेड, जॉब से या आपके बिजनेस से रिलेटेड ऑफर हो सकती है जो आपको मिलने वाली है, या क्लैरिटी है, कुछ चीज़ मिलने वाली है आपको, कोई मज़ीद अच्छे जॉब की या बिज़नेस की ऑफ़र हो सकती है, आपका जो इनकम है मज़ीद वो फ्लो होने वाला है, आप हो सकता है न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी आपको मिले। और कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं जो अटकी हुई हैं इस वक्त आपकी लाइफ में, वो जो पैसा आपका सिचुएशन, जिस जहाँ पर भी आपने कोई डील की है, पार्टनरशिप की है, वहाँ पर आपकी, आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है, या वो वहाँ पे वो डील अच्छी हो सकती है। आप ऐसे कुछ लोग वेकेशन पे भी जाएंगे, ट्रैवल का पे भी जाने का सोच रहे हैं फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ, या आपके अगर रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ,
या कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है ट्रैवल करके, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल नज़र आ रहा है। और यहाँ पे है मोथ टू फ्लेम, ये ऐसा इंसान है जो आपको इग्नोर नहीं कर सकता, आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता या आपको भूल नहीं सकता। तो ये ऑफ़र ऐसी आएगी कि आप बिल्कुल भी, आपके इर्द गिर्द ये इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड है, एडिक्टिव है, इस इंसान को लगता है कि आपने कोई उस इंसान पर कोई जादू कर दिया है क्योंकि ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहा, आपको छोड़ नहीं पा रहा। तो फाइनली ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा हाथ बढ़ाने के लिए, या आपसे ये इंसान मिलना चाहता है, ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है। मैं ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कोई ऑफ़र है, फाइनली ये इंसान फाइनली आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, आपको अपना पैशन बताएगा। ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करने वाला, ये जो भी इंसान है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है ये इंसान, विर्गो, लिब्रा, जेमिनी या कोई और वाटर साइन भी हो सकता है, ये जो भी इंसान है आप पे गिव अप नहीं करेगा। ये इंसान ट्राई करता रहेगा जब तक आप यस नहीं बोलोगे। इवन ये इंसान अगर आपसे दूर भी रहता है तो ये इंसान डिस्टेंस को क्लियर करके आपकी तरफ आएगा, और ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है। मतलब इस इंसान का आना आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा, आपको हील कर देगा, ठीक है। आप कहीं फैमिली के साथ कहीं शिफ्ट भी हो रहे हो, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा वेट करें जब तक चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो जाती। आप फैमिली के साथ कहीं मूव कर रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो, या कोई वीज़े का कोई मसला चल रहा है, या प्रॉपर्टी का भी कोई इशू चल रहा है, वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अभी वेट करें। और अगर आप किसी न्यू जॉब की तलाश में हैं तो अभी भी थोड़ा मज़ीद आपको 6 वीक्स या 6 डेज तक या 6 वीक्स तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए क्लियर होने वाली हैं। कोई फैमिली में भी कोई गुड न्यूज़ हो सकती है या आप कुछ सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। और जो आपकी मनी फ्लो है वो फाइनली फ्लो होगा, चीज़ें आपकी चेंज होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं, आपकी हेल्थ भी मुझे यहाँ पे इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिनका हेल्थ का कोई इशू था, इस वीक में हेल्थ आपकी इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। शायद आप कोई चेकअप के लिए भी जाएं डॉक्टर के पास, ठीक है। आप किसी कोई इवेंट पे भी जा सकते हैं जहाँ पे आप इन्वाइटेड होंगे, कोई आप फैमिली फंक्शन पे, कोई इवेंट पे भी जाएंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है, अब हम रोमांस की बात कर लेते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप। कोई है जो आपकी तरफ प्रपोजल लेके आ रहा है, लव ऑफर लेके आ रहा है, या आप किसी को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। एक इंसान है कोई जो आपसे, मतलब कुछ लोगों के लिए प्रपोजल भी हो सकता है, जो आपकी फैमिली में डायरेक्ट प्रपोजल आएगा इस इंसान का, या आपकी शादी तय हो सकती है, बात फिक्स हो सकती है, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। या किसी के साथ अगर कोई आपका झगड़ा कोई इशू था वो भी इस वीक में रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मज़ीद अभी 1 हफ्ता या 1 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। अब मज़ीद देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या हो रहा है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। बच्चों को लेके भी कोई गुड न्यूज़ है, फैमिली में भी है, कोई चीज़ है जो आपको खुश करने वाली है, कि यह सोल्यूशन आपको नज़र आएगा किसी चीज़ को लेके। जैसे मैंने आपसे कहा, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिलेगा, या आपको फाइनली सोल्यूशन नज़र आ जाएगा कि आपको क्या करना है। क्लैरिटी आपको मिलेगी किसी सिचुएशन को लेके, लेकिन अभी थोड़ा सा डिले है। कोई आपको अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस करना चाहता है, ये इंसान न्यू हो सकता है तो इसलिए शायद आप न्यू रिलेशनशिप में जाएं। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने होने वाली है या होगी, उसके ऊपर आपने अटेंशन पे करनी है। स्टेपिंग स्टोन, यस, ऐसा लग रहा है कि आप प्रोसेस में हैं, जो चीज़ आपको चाहिए या जो चीज़ आपको रिसीव होनी है वो प्रोसेस में है। बेबी स्टेप्स लें, जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। एकदम ही जाके सारी ना इन्वेस्टमेंट करें, ना एक ही दम जाके आप कोई बड़ा कदम लें या बड़ा डिसीजन लें अपनी लाइफ का लेके, स्पेशली अपने फैमिली को लेके, लव लाइफ लेके, या करियर या पार्टनरशिप को लेके, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लें, समझें चीज़ों को, फिर स्टेप करें। आपकी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है, फाइनली आप अपने आप को किसी टॉक्सिक सिचुएशन से फ्री भी करेंगे, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। पाइसिस, क्रॉस, यस, आप हो सकता है डेस्टिनी आपको जहाँ पे लेके जा रही है, डेफिनेटली इट्स मीन फॉर यू। मैंने आपसे जैसे कहा, यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड कोई डेस्टिन टाइप ऑफ सिचुएशन आपकी लाइफ में होने वाली है, क्योंकि किस्मत का लिखा यही है। इस इंसान से शायद आपकी शादी होनी है, या इसी इंसान के साथ आपका मिलना लिखा है, अगर ये न्यू इंसान है या कोई वापस आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपने बहुत तकलीफ़ें देखी, परेशानियां देखी, अब आपका फाइनली परेशानी और तकलीफ़ों का टाइम जो है वो निकलने वाला है, और आप अच्छे हैप्पी टाइम की तरफ, खुशियों की तरफ, फैमिली की तरफ, अपने घर में भी कोई चीज़ ऐसी है जो आप सेलिब्रेट करेंगे। आपकी जो फेट है, वो डेस्टिनी है, वो सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ने वाली है। न्यू डोर्स आपके लिए ओपन हो सकते हैं करियर को लेके, आप ऐसे कुछ लोग शिफ्ट करेंगे, या आप कहीं आउट ऑफ कंट्री भी जाएंगे, बाहर ट्रैवल भी करेंगे, या आपने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसी कोई ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे, या आपको कुछ ऐसी जॉब मिल सकती है, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि कुछ चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में बिल्कुल टोटल। अगर आप किसी लॉस में थे, किसी को आपने खोया, किसी को आपने छोड़ा, या किसी ने आपको छोड़ा, उस चीज़ से भी आप रिकवर करेंगे, मुझे लग रहा है आप हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे। और अगर किसी ने आपके साथ इस तरह किया है तो वो इंसान वापस आपके पास आ सकता है माफ़ी मांगने। तो हीलिंग सिचुएशन है, आप पे डिपेंड करता है कि आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं और कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। आप किसी स्पिरिचुअल इवेंट पे, या रिलीजियस, या ट्रेडिशनल इवेंट पे, या ट्रेडिशनल प्लेस पे भी जाएंगे, ओके जी। नेक्स्ट एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखते हैं कि
ये वाला वीक कैसा रहेगा और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकती हैं। और आपकी लाइफ में किस तरफ चेंज हो रही है और किस तरफ आपको फोकस करना चाहिए। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। तो आपके लिए है शाबानो, दिस इज़ द एम्प्रेस। वाओ, टॉरस या लिब्रा के साथ आप डील कर रहे हैं। मलिका ऑफ कॉइंस, टॉरस, डेफिनेटली टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉन के साथ या विर्गो के साथ आप डील कर रहे हो। वाओ, वी हैव चरखा फलक, व्हील ऑफ फॉर्चून, पाइसिस या सेजिटेरियस। ओके, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपकी लाइफ बिल्कुल टोटली चेंज होने वाली है। अगर आप सिंगल वुमेन हो विद द एम्प्रेस एंड मलिका ऑफ कॉइंस, तो आपकी लाइफ डेफिनेटली सक्सेस की तरफ बढ़ने वाली है। अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई करियर है, कोई जॉब है, वो डेफिनेटली किस्मत आपको चरखा है, एक किस्म का आपकी डेस्टिनी आपको किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलाने वाली है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। ठीक है, कोई ऐसा इंसान है जो आपको मशवरा देगा या जिसके साथ आपकी कोलैबोरेशन होगी, या कोई आपको ये ऑफर भी लेके आ सकता है, चाहे वो लव ऑफर है। ये इंसान आपके घर प्रपोजल लेके आएगा, ये इंसान आपकी ऑफर को लाएगा, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। अगर आप सिंगल हो, वुमेन हो या मैन हो, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आप एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो आपकी लाइफ में तरक्की, सक्सेस लेके आएगा और लव लेके आएगा। ठीक है, आप अपने शायद हस्बैंड या वाइफ से मिलने वाले हो बहुत जल्द, हो सकता है विद इन 3 to 10 weeks या डेज के अंदर या मंथ्स के अंदर आपकी शादी होने वाली है या फिक्स होने वाली है। ठीक है, आप किसी स्पेशल इवेंट पे भी जाओगे, शायद वहाँ पे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकात होने वाली है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई है जो आपकी लाइफ में, या ये है आप खुद हैं, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो रही है किसी को मिलने के बाद, या आप खुद अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। लेकिन ये फीमेल एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। फोर ऑफ कप्स, यस, आप में से कुछ लोगों को परफेक्ट पार्टनर की तलाश है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको डेफिनेटली इस तरह का पार्टनर नहीं मिल रहा जिस तरह का आपको चाहिए, इस तरह की वाइफ नहीं मिल रही या इस तरह का हस्बैंड नहीं मिल रहा। लेकिन फाइनली अब आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आ जाएगा कि आप जिसको रिजेक्ट नहीं कर पाओगे, जिसके साथ आपकी किस्मत लिखी है। या मलिका ऑफ स्वॉर्ड, दिस इज़ यू, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो यहाँ पे लग रहा है कि किसी के साथ आपकी कोई बिजनेस पार्टनरशिप होने वाली है, या किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप होने वाली है, या आप सोशल होने वाले हो, कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलने वाले हो, तो आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। अपने आप को ओपन करें नए लोगों से मिलने का, अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करें, अपने एटीट्यूड को चेंज करने की भी यहाँ पे कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे लग रहा है कि आपके किसी के साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप या कोई सोशल सर्कल में आप किसी से मिलने वाले हैं, या आप किसी ऐसी ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाले हैं जहाँ पे आपका होना ज़रूरी है, और एज अ टीम आप इन लोगों के साथ काम करेंगे, चाहे मेल हैं या फीमेल्स हैं। आपको किसी का इंतज़ार भी है, कोई आपकी तरफ आए, अपनी फीलिंग ऑफर करे, लेकिन हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व है या कोई और रिलेशनशिप चल रहा है इस इंसान का ऑलरेडी। दुनिया, यस, आपकी दुनिया डेफिनेटली तब्दील होने वाली है। आप हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं, पाइसिस, सेजिटेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। कोई है शायद आपको इंटरनेट पे देख रहा है या सोशल मीडिया पे, जहाँ पे भी आप वर्क करते हो या जहाँ पे भी आप, अगर कुछ हो सकता है आप इंटरनेट पे कुछ स्टार्ट करने वाले हो, ये भी हो सकता है, या अगर आप ऑलरेडी कुछ इंटरनेट पे करते हो तो वहाँ पे आपकी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होने वाली है। इट्स टाइम टू लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने का, लोगों के साथ कोलैबोरेशन करने का, ये बहुत अच्छा टाइम है लोगों को जानने का। आप ऐसे कुछ लोग शायद बाहर भी जाना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको मज़ीद टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। किसी की नज़र भी आप पे हो सकती है, लेकिन हो सकता है ये ऑलरेडी इंसान रिलेशनशिप में है, और अगर आपको पता है तो शायद आपको पता है ये कौन है इंसान। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको आपने कट कर दिया, आप इस इंसान से मज़ीद बात नहीं कर रहे। यस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी हो सकती है, या ये वो इंसान है जिसने आपको आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपको आपका दिल तोड़ा है, या आपको डिसअपॉइंट किया है, या आपको रिजेक्ट किया है। अब इस इंसान की नज़र आप पे है सोशल मीडिया पे। हो सकता है ये वो इंसान भी है, हार्ट ब्रेकर है, इस इंसान की लाइफ में बहुत सारे लोग थे, तो हो सकता है ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आए और यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है। डेस्टिनी, किस्मत इस इंसान को वापस आपकी तरफ ला रही है, क्योंकि अब आप चेंज हो गए हो या आपको अब इस इंसान की परवाह नहीं है, तो आपके एटीट्यूड में कुछ चेंज आ रहा है जिसकी वजह से इस इंसान की लाइफ में भी चेंज आ रहा है। ये इंसान अब आपको काफ़ी ऑब्सेस्ड हो सकता है आपकी तरफ, या आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है, इस इंसान को आप बहुत पसंद हो। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है कि अगर ये इंसान सिंगल है तो हो सकता है ये इंसान अब रेडी है रिलेशनशिप के लिए, और कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो तो आप डेफिनेटली किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने वाले हो, आपको फाइनली ऐसा इंसान मिलेगा जिसका आपको इंतज़ार था। कुछ लोगों के लिए इस इंसान के पास ऑप्शंस भी हो सकती हैं, तो उसको चूज़ करना पड़ेगा कि वो किसको चूज़ करेगा, लेकिन इस इंसान की नज़र आप पे हो सकती है।
एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जो लोग इंटरनेट पे काम करते हैं वहाँ पे भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी बिग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, या अगर आप कोई इंटरनेट पे नहीं भी करते काम, आप किसी और के साथ ऐसे प्रोजेक्ट में या ऐसे टीम वर्क में, या ऑफ़र आपको आने वाली है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों से मिलेंगे, ऐसे लोगों से जिनसे मिलना भी नामुमकिन होता है लेकिन आप मिलोगे। ये किस्मत आपकी जो है इस इंसान की तरफ लेके जाएगी, ऐसे लोगों से मिलवाएगी या ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जो जिससे आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। आप ऐसे कुछ लोग हार्ट ब्रोकन हैं क्योंकि आप मदर बनना चाहते हैं, तो प्रेगनेंसी की वजह से भी आपको कोई टेंशन हो सकती है, ठीक है, या आपकी मदर की हेल्थ या आपकी अपनी हेल्थ के भी कुछ इशू हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। हम मज़ीद ऑरेकल्स कार्ड से देख लेते हैं। कुछ है विद दुनिया और यहाँ पे जो चरखा फलक है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून है और ये वर्ल्ड कार्ड है। तो कुछ है जो आपकी किस्मत, आपको डेस्टिनी आपको कहीं और लेके जा रही है, आपकी किस्मत में जो लिखा है, या आप किसी मामले में लकी होने वाले हैं। कुछ ही कुछ मामले हैं जो आपके लिए जिनमें आप लकी होने वाले हैं। आपको कोई प्रमोशन मिल सकती है, आपको कुछ सक्सेस मिल सकती है, या आप जो बिज़नेस कर रहे हो या करियर में हो उसमें आपको कुछ अच्छा मिल सकता है। वी हैव आप हो सकता है डेथ यहाँ पे पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो। यस, तो किसी के साथ आपकी कोई पास से हो सकता है जिसकी नज़र आप पे है, या ये इंसान आके आने से आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। मैग्नीफाइंग ग्लास, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ आप करना चाहते हो उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लें। कोई है जो आप पे नज़र रखकर और आप पे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें आपके बारे में। आप हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट साइन करें, आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, कुछ आप शायद कर रहे हैं। कोई क्लैरिटी भी आपको मिल सकती है किसी सिचुएशन को लेके। और हमारे पास है यहाँ पे फिक्स्ड द मिडल, नो नाउ इज़ नॉट द टाइम। तो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे ज़रूरत है, या जो जिसका आपको इंतज़ार है शायद वो इंसान मज़ीद टाइम ले रहा है। यस, ये इंसान मैन हो सकता है जिसका आपको इंतज़ार है। इस इंसान के साथ शायद ये इंसान का आपको वेट है, या इस इंसान की नज़र आप पे है, ये भी हो सकता है क्योंकि इस इंसान की नज़र आप पे है। ये काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है जो आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकता है, या इस इंसान के शायद आपके पास अब ऑप्शन है, ठीक है, ये भी हो सकता है। ये आपका बॉयफ्रेंड फियांसी हो सकता है। आप ऐसे अगर सिंगल हैं तो आप डेफिनेटली रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। आपका फियांसी, हस्बैंड, वाइफ, ये लेकिन ये मैन है, तो अगर आप वुमेन हो तो ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या फियांसी या बॉयफ्रेंड, या ये वो इंसान भी हो सकता है जो काफ़ी लव इंटरेस्ट है, आप में इंटरेस्टेड है। तो इस इंसान के ये नज़र है अभी इस इंसान की आप पे, लेकिन अभी टाइम नहीं है इस इंसान के पास, या अभी ये इंसान अभी आपको ऑफर नहीं कर पा रहा क्योंकि इस इंसान की लाइफ में कुछ और चल रहा होगा या आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है। तो डेफिनेटली ये कोई है जो आपकी तरफ आना चाहता है और इस इंसान की नज़र आप पे हो सकती है, या जिस इंसान का आपको इंतज़ार है वो इंसान काफ़ी टाइम ले रहा है, तो फाइनली अभी आपको थोड़ा सा और वजीद वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे डेथ भी है तो हो सकता है, और थ्री ऑफ सोर्ड्स, आप में से कुछ लोग विद दुनिया, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द डेथ, आप कोई कार्मिक साइकिल भी एंड करेंगे, किसी के साथ ब्रेकअप या सेपरेशन भी होगा, या ये वो इंसान है जिसके साथ आपका सेपरेशन हुआ है, वो वापस आना चाहता है या उसकी नज़र आप पे है। जी, लास्ट पे हम देख लेते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप लोगों की लाइफ में इस वीक क्या होने वाला है या क्या चेंजेस आने वाली हैं, किस चीज़ के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, या क्या आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है 7 डेज के अंदर, इस वीक के अंदर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कॉइन्स, तो 666 नंबर शायद आप बहुत देख रहे हो। तो एक चीज़ मुझे आपकी इनकम में फ़्लो नज़र आ रहा है, डेफिनेटली कुछ आपके फाइनेंसिस फ़्लो होने वाले हैं, इनकम में फ़्लो होने वाला है, कोई चेंज आने वाला है। आपकी कोई जॉब लग सकती है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रैवल करके जाना पड़े, या आपकी कोई शिफ्ट होने लगने वाली है, या आपकी कोई शिफ्ट चेंज होने वाली है फाइनेंसिस में। आप कहीं इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। दैट ऑफ सोर्ट्स, आपको हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्टडी के लिए आप शायद अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो आप कोई फीस जैसे भर रहे हैं या आप कोई जगह पे जा रहे हैं स्टडी के लिए। और अगर ये जॉब है तो उसके लिए भी शायद आपको इंटरव्यू टेस्ट करते हैं, तो उसमें आप पास हो जाते हैं या आप जा रहे हैं देने के लिए, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि आप सिलेक्शन आपका हो जाए, ठीक है। इस वीक में ये चीज़ नज़र आ रही है, या आपने दिया था तो इस वीक आपको उसका रिजल्ट नज़र आ जाएगा फाइनली। 5 ऑफ सोर्ड्स, तो कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में जो सिचुएशन या प्रॉब्लम चल रही थी उससे आप बाहर निकलेंगे। ये कोई फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है, या किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट या कोई झगड़ा भी था जो रिजॉल्व होगा इस वीक में, या कोई आपकी तरफ आना चाह रहा है इस मसले, या ये कोई है जो फीलिंग हर्ट हो रहा है, आप दोनों के दरमियान में इस वक्त कॉन्टैक्ट नहीं है, ये ब्रेकअप है, सेपरेशन है, या फ्रेंड हो सकता है, लवर हो सकता है, फैमिली का कोई मेम्बर हो सकता है, या कोई कुलीग भी हो सकता है जिसके साथ आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है, झगड़ा हुआ है, और आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं, तो ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप को हील करना चाहता है, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी खुद इस इंसान को कट कर दिया और आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है।
कोई आपको आर्ग्यूमेंट में भी डाल सकता है, लुक एट दिस सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये डिसेप्शन हो सकती है, या वो इंसान जो आपसे भाग गया है, ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट नहीं था, इसने आपसे झूठ बोला, चीट किया या आपको धोखा दिया, इसने आपका दिल तोड़ा, ये भी हो सकता है, या इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला, किसी और को चूज़ किया पैसों के लिए या किसी और वजह से। तो इस इंसान का ट्रुथ आपके सामने आएगा, या ये इंसान आपसे बात करना चाहता है लेकिन अब शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, कोई वर्क से रिलेटेड भी कोई चीज़ है या आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी चीज़ है, सोच समझ के जो है वो इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अंधाधुंध मत कर दीजिएगा, ये ना हो बाद में आपको नुकसान उठाना पड़े। या अगर आपने ऑलरेडी कुछ कर लिया, इन्वेस्ट कर लिया है, तो इस टेंशन से फाइनली आप निकलेंगे, फाइनली आपको क्लैरिटी मिलेगी और समझ आएगी कि क्या चल रहा है पीछे। किसी का सीक्रेट निकल के आ सकता है। डॉटर ऑफ स्टाफ, यस, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, यहाँ पे टू डॉटर्स हैं, तो डॉटर से लेके भी कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, अगर आपकी कोई डॉटर है, आपके किड्स हैं यहाँ पे। ये स्टाफ्स है और ये क्या है, स्वर्ड्स, तो यस, कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई आप कुछ नया भी सीखने वाले हो, या आप सोच रहे हो कि आप कहीं अपना एनर्जी अपना टाइम कहीं इन्वेस्ट करो कुछ नया सीखने में, कोई कोर्स है या कोई या आप टीचिंग के लिए भी ट्राई कर रहे हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कोई आपसे बात करना चाहता है और ये इंसान काफ़ी इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, इस मसले को सॉल्व करने में, या आप दोनों के दरमियान में जो सेपरेशन है ये इंसान ख़त्म करना चाहता है। यस, फोर ऑफ कप्स, लेकिन इस इंसान को डर है कि आप रिजेक्ट कर दोगे या आप बात नहीं सुनना चाहते। अगर आप काफ़ी अर्से से बोर थे और आप सिंगल हैं, तो आपकी लाइफ में तब भी कोई आ सकता है जिसके साथ आप कोई गपशप कर रहे हैं, कोई फ्लर्ट कर रहे हैं, या आप हो सकते हैं इस इंसान के साथ फ्लर्ट कर रहे थे या गपशप का चल रहा था, तो फाइनली अब चीज़ें कुछ फ्लर्टी मूड से निकल के कुछ सीरियस चीज़ों की तरफ जाएंगी, या आप इस इंसान को कट करेंगे क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि ये इंसान सीरियस नहीं है। और अगर आप सिंगल हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है वो आपको नहीं मिल रहा है। आपकी नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है इस वीक में, आप थोड़ा सा नेगेटिव भी फील कर सकते हो, ये चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो रिलैक्स रहें, डेफिनेटली टाइम आएगा लेकिन थोड़ा सा मज़ीद वेट करना पड़ेगा, शायद नेक्स्ट वीक शायद आपको वेट करना पड़े। यस, शाह ऑफ सोर्ड्स, तो कोई है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस जो आपसे बात करना चाहता है, कॉन्टैक्ट करना चाहता है, या ये वो इंसान है जो आपसे भाग के गया था, डिटैच हो गया, या आपको सही तरीके से ऑनेस्ट तरीके से बताया नहीं, या ये आप खुद भी हो सकते हैं जो आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, किसी एजुकेशनल डिग्री में, प्रोफेशनल डिग्री में आप जाना चाह रहे हैं, या आप अगर ऑलरेडी किसी न किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं, तो आपकी डेफिनेटली कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, अच्छी सेल्स हो सकती हैं आपकी, अच्छा बिजनेस आपका अच्छा चलने वाला है इस वीक, लेकिन थोड़ी सी नेगेटिविटी भी है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, सोच समझ के डिसीजन लें, लॉजिकल तरीके से डिसीजन लें, तो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन भी हो सकता है जो आप लेना चाहें। लेट्स सी और क्या होने वाला है आप लोगों के लिए, या कि सोल्यूशन मिलेगा आपको कोई, या आपका जो इशू है वो रिजॉल्व होगा, जो भी ये चल रहा है। आपको ओपन होना चाहिए इस टॉक के लिए, इस बात के लिए, जो चीज़ भी है ये जो भी आपसे बात करना चाहता है, कोई क्लैरिटी देना चाहता है या कोई आपको एक्सप्लेन करना चाहता है कुछ। यस, ये एम्परर हो सकता है, एरीज, विद इन सेवन डेज। यस, मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, हो सकता है ये इंसान काफ़ी इंडिपेंडेंट है, हाइपर इंडिपेंडेंट हो सकता है ये इंसान काफ़ी एक्टिव है, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है, ये इंसान आप दोनों के दरमियान में जो कुछ भी हुआ है सोल्यूशन ढूंढना चाहता है, ये आपका बॉस या सीनियर भी हो सकता है जिसके साथ आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है, या आपका मैस्कुलिन हस्बैंड वाइफ या सिबलिंग सिस्टर ब्रदर। वी ऑल्सो हैव द एलिमेंट ऑफ फायर, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, तो कुछ लोगों के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होने वाला है, ये इंसान कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड करेगा जो आपने सोचा भी नहीं था कि ये इंसान ऐसा कुछ करेगा, या आप कुछ ऐसा न्यू करने वाले हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप कोई प्लान करोगे, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होने वाला है इस वीक, या कोई है जो अपना मास्क रिवील करेगा, अपनी ट्रू फीलिंग्स रिवील करेगा, या कोई है जो आपके साथ काफ़ी अरसे से ये हाइड एंड सीक गेम खेल रहा था, तो इस इंसान का गेम आपको समझ आएगा, या तो आप इस इंसान के साथ एंड करोगे चीज़ों को, या ये इंसान फाइनली आपके साथ सोल्यूशन ढूंढेगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, आपसे बात करना चाहता है शायद रोमांस में, या डेट करना चाहता है, रिलेशनशिप में आना चाहता है, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको फाइनली इस इंसान को लेके। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, बाय गाइज़।